सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेनी है सुर्खियों के वल। गुरुद्वारा दुखनवान साहिब विखे हुई महिला के कतल च एसएसपी का सनसनीखेज खुलासा। स्मार्ट सिटी के जलंधर निगम च भी होगी संसद मैंबर रिंकू की दमदार एंट्री। स्मार्ट सिटी के निगम तो चंगी तरह वाकिफ ने सुशील रिंकू। चमकौर साहब च इलाज न होने कारण एक नौजवान की मौत। धरने दौरान हल्का विधायक के साबका सीएम चन्नी विचाले हुई तू तू मैं में। मृतक नौजवान के परिवार ने हस्पताल से लापरवाही वरतन के लगाए दोष। हुण खबरां विस्थार दे नाल। पटियाला स्थित दुखनवान गुरुद्वारा कंपलैक्स विच देर शाम एक औरत की गोलियां मार के हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुलजम नूं गिरफ्तार कर लिया। उधर पटियाला पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दस्सिया कि औरत सरोवर के कंडे बैठ के शराब पी रही सी। जदों उस नूं शराब पीने तो रोकिया गया तो उस संगत नाल उलझ गई। शराब की आदि सी। जदों संगत उस औरत नूं मैनेजर को लैके गई तो उत्थे निर्मलजीत सिंह सैणी नाम के नौजवान ने औरत ते गोलियां चला दित्तियां। उसने पांच गोलियां चलाईयां ते तीन तो चार इस औरत नूं लगियां। अजे तक औरत का परिवार सामने नहीं आया। गोलियां चलाने वाला नौजवान धार्मिक प्रवृत्ति वाला इंसान है, इसलिए उसने गुस्से में आके गोलियां चला दित्तियां। पुलिस अनुसार मृतक औरत की पछाण 33 साल परमिंदर कौर वजो हुई है, जिसने नशा किया होया सी। वह सरोवर नेड़े बैठ के शराब पी रही सी। चश्मदीदा की शिकायत से औरत नूं मैनेजर के कमरे में लिया गया। इस दौरान भीड़ चो नौजवान ने औरत नूं गोलियां मार दित्तियां। इस दौरान सरोवर नेड़े शराब पीन से इतराज़ जताने वाला सेवादार भी जख्मी हो गया। पुलिस अनुसार मुलजम की पछाण निर्मलजीत सिंह वजो हुई है, जो कि अर्बन एस्टेट का वसनीक है। परविंदर कौर नाम की 35 तो 40 साल की दरम्यान उम्र की जनानी दुखनिवारा साहब गुरद्वारा साहब दे सरोवर कोले बह के उत्थे शराब का सेवन कर रही सी। छोटा जिहड़ी छोटी शराब की क्वाटर बोतल हुंदी आ उहदे राहीं शराब का सेवन कर रही सी। जदों महिला श्रद्धालुआं ने ते होर श्रद्धालुआं ने वेख्या कि ये गुरद्वारा साहब दे सरोवर दे कोले शराब का सेवन कर रही है ते इस गलत काम तो रोकण लई उस जनानी नूं महिला श्रद्धालुआं ने ते होर श्रद्धालुआं ने लै के जिहड़े गुरद्वारा साहब दे मैनेजर ने उन्हां कोले जिवें कोई भी शक्की बंदा हुंदा आ शक्की जनानी हुंदी आ उहनूं मैनेजर दे कोले ही लै के जाया जांदा है। जदों संगतां इस जनानी नूं मैनेजर दे कमरे दे कोले लै के पहुंचियां ते उत्थे निर्मलजीत सिंह सैणी नाम दे एक व्यक्ति ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर नाल पांच गोलियां जड़ियां ने चलाईयां। उन्हां चों तीन तो चार गोलियां इस जनानी नूं लगियां जिहदी मौके ते मौत हो गई। एक गोली जड़ी आ वह सागर नाम दे उत्थे मौजूद एक होर व्यक्ति नूं भी लगी, जिहड़ा रजिंद्रा हॉस्पिटल पटियाला च खतरे तो बाहर आ ते जीरे इलाज आ। पटियाला पुलिस ने बड़ी स्विफ्ट एक्शन लेंदे हुए जिहड़ा निर्मलजीत जी ने गोलियां चला के उस जनानी का कतल किया उन्हूं अरेस्ट कर लिया आ ते जिहड़ा वैपन यूज किया गया सी वह भी बरामद हो गया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप च लोग सभा मैंबर की चोन जीत के सुशील रिंकू ने जलंधर की सियासत में तहलका मचा दिता है। पर हुण रिंकू की बतौर संसद मैंबर स्मार्ट सिटी ते जलंधर नगर निगम च दमदार एंट्री होगी, जिसनों लैके अफसरशाही कई तरह चर्चावां चल रही ने। आम आदमी पार्टी नूं पंजाब दी सत्ता संभाले हुए नूं लगभग 14 महीनों का समा हो चुकिया है। इस दौरान इस पार्टी ने पंजाब लई तां कई अहम फैसले लए ने, पर जलंधर निगम की गल करिए इत्थे आप दा कोई दबदबा हुण तक नहीं दिखिया।
ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੇਰਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟਿੱਪਰ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੱਖ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੂੰ-ਤੂੰ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਲਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰੋਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਟ੍ਰੀਮੋਨੀਅਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 10 ਫੇਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ 9,20,000 ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰੀਮੋਨੀਅਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਭਿਜੀਤ ਮੀਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਮੀਨਾ ਕੋਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ UK ਦੇ ਡਾਲਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 3% ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 9,20,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਫੇਸ 11 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ YSR ਕਡੱਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ SUV ਦੀ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 8 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟੱਕਰ ਸਵੇਰੇ ਕੋਂਡਾਪੁਰਮ ਮੰਡਲ 'ਚ ਚਿਤਰਾਵਤੀ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਕਡੱਪਾ ਤਾੜੀ ਪੱਤਰੀ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਪੀੜਤ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪੁਤੀ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ SUV ਦੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਹਾਦਸਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾੜੀ ਪਾਤਰੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਪੁਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 50 ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਕਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਰਾਜਰਾਣੀ ਜਿਸਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੇ ਜ਼ੈਕਾਬਾਦ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸੁਧੀਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਸਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੂਫਾਨ ਮੋਖਾ ਨੇ ਮਿਆਨਮਾਰ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਠਾਂ, ਪੈਗੋਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮਿਆਨਮਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਮੋਖਾ ਕਾਰਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨਮਾਰ ਦੇ ਰਖਾਇਣ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਟਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ 209 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੂਫਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਂਟ ਮਾਰਟਿਨ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੰਚਾਰ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के सरकारी स्कूल विच 13 विद्यार्थियों के जिनसी शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया। इतने जिनसी शोषण किसी होर ने नहीं सगो स्कूल के अध्यापक वालों किया जा रहा है। इस मामले में महिला अध्यापक लड़कियों का ब्रेनवॉश कर रही थी। एक स्कूल अध्यापक ने मापिया समेत थाने में शिकायत की तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में गंभीरता लेंदे 3 अध्यापकों खिलाफ केस दर्ज करके मुख्य मुलजम अध्यापक मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया। उधर दूजे पास 13 लड़कियों मेडिकल जिला हस्पताल भेजा गया। जानकारी मुताबिक ये मामला तिलहर थाना के राय खुरद है। 13 लड़कियों के मापिया से स्कूल के अध्यापक ने दोष लाया है कि स्कूल के 3 अध्यापक ना सिर्फ बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं सगो मुहम्मद अली लड़कियों के नाल छेड़छाड़ भी करता सी। विद्यार्थियों के परिवार वाले ने स्कूल के बाथरूम चो इतराज़योग समगरी भी बरामद की है। इस मामले 3 अध्यापकों खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने मुख्य मुलजम मुहम्मद अली नू भी गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अतवाद की साजिश रचन के मामले में जम्मू कश्मीर 13 थावां ते छापेमारी की है। अधिकारी सूत्रों ने दसिया है कि कश्मीर घाटी के बड़गाम शोपियां पुलवामा श्रीनगर के अनंतनाग जिले 13 थावां ते छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने दसिया है कि छापे जम्मू च 2022 दर्ज एक अतवादी साजिश रचन के मामले में चल रही जांच का हिस्सा है। सूत्र दसदे ने कि यह मामला भौतिक ते साइबर स्पेस दोहां च साजिश रचन ते जम्मू कश्मीर चिपकाउण वाले बंबां अत्याधुनिक शक्तिशाली विस्फोटकां ते छोटे हथियारों तो हिंसक अतवादी हमलों नूं अंजाम देण लई पाबंदीशुदा अतवादी संगठनां वल्लों योजना बनाए जाण दे नाल संबंधित है। चंडीगढ़ शहर का सब तो वध तापमान 39.7 डिग्री रिकॉर्ड होया है। बीते दिन का भी वध तो वध पारा 39.7 डिग्री ही रिकॉर्ड होया सी ते जो आम नालों 2 डिग्री ज़्यादा रहा। उत्थे ही हेठले तापमान विच भी थोड़ा वाधा होया जो 24.6 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया जो आम नालों 1 डिग्री घट रहा। हालांकि सवेरे मीह भी रिकॉर्ड होया। मौसम केंद्र ने 0.4 mm मीह पिछले 24 घंटे रिकॉर्ड किया। मौसम केंद्र मुताबिक लोकल पद्धर से क्लाउड फॉर्मेशन होने कारण थोड़ी देर लिए मीह पिया। हालांकि दोपहर होंदे दिन का पारा वाधा गया ते अगले हफ्ते तो शहर के वध तो वध तापमान के नाल हेठले तापमान के भी उपर वल जाने के आसार ने ते नाल ही मौसम ड्राई रहेगा। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान ते दो होर लोकां खिलाफ मुंबई दे एक होटल च दक्षण अफ्रीकी कारोबारी ते उसदे सहुरे नाल कथित कुटमार दी घटना तो 11 साल बाद इसकी सुनवाई अगले महीने तो शुरू होगी। एसप्लेनेड अदालत दे अडिशनल मुख मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट ने 24 अप्रैल नूं सैफ अली खान ते उन्हां दे दो दोस्तां शकील लड़ाक ते बिलाल अमरोही खिलाफ दोष तय किए ने। अदालत ने मामले च बयान दर्ज कराउण लई गवाहां नूं भी पेश होण लई समन जारी किए जिस नाल सुनवाई दा रस्ता साफ हो गया ते मामले च अगली सुनवाई 15 जून नूं होवेगी। एयर फ्रांस के एलम ने कहा है कि भारतीय हवाबाजी बाजार तेजी नाल वध रहा है। नाल ही कंपनी इंडिगो नाल रूट ते समर्था दे नाल ही कोर शेयर रूट नूं वधाउण दी इच्छा जताई है। एयर फ्रांस के एलम ने 2022 की तुलना च आपसी सीट समर्था च 22% का वाधा किया। कंपनी 4 भारतीय शहरां दिल्ली मुंबई बेंगलुरु ते चेन्नई नूं जोड़न वाली 46 हफ्ताबार उड़ाना संचालित करती है ते कंपनी का 30 तो ज़्यादा शहरां लई देश की मुख्य एयरलाइन इंडिगो दे नाल इक कोर शेयर समझौता भी साइन होया। मरहूम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले के पिता का दर्द एक बार फिर मीडिया सामने झलकिया। जिन्हों का कहना सी कि वह किसी सरकार तो किसी तो भी डरते नहीं। सरकार मेरे पुत नूं इंसाफ दवाउण च नाकाम रही ने। मैं अपने पुत लई हुण भी इंसाफ मंगदा मरदे दम तक उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़दा रहांगा। आपां खड़े कित्थे आ? असी सरकार का विरोध क्यों किया? क्योंकि सब तो पहला सरकार नूं
दिल्ली स्पैशल सैल वालों सूचना दी गई सी भी शोदीप और एक व्यक्ति लीडर है कोई दो बंद बहुत ज़्यादा खतरा है। स्पैशल लैटर भी कढ़िया गया और ट्रिब्यून के पहले पेज पर भी छापी गई खबर यह क्योंकि शोभदीप मार मारा शाहरुख नाम का बंदा दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया से तो ये खुलासे हुए से भी असी फलाने फलाने बंदे मार मार सो दिल्ली स्पैशल सैल ने पंजाब स्टेट को इनफॉर्मेशन दी उस गल की बकायदा लिखती रूप दी प्रेस के मीडिया राही दी माध्यम राही दी परंतु एक व्यक्ति को दस दिता जाता है भी तुहानू खतरा है सानू कोई इनफॉर्मेशन नहीं दी गई बकायदा ये साड़ी जी सिक्योरिटी वह वापस ले ली वो बावजूद पता होने के बावजूद भी सिद्धू मूसेवाले को सब तो वध खतरा है वो बावजूद सिक्योरिटी वापस ली असी तां विरोध किया कल्ली वापस नहीं ले गई वापस नहीं सरकार की मर्जी होंगी लै सकते आप इस गल नहीं कहते भी सिक्योरिटी दें वापस लैके उन्होंने अनाउंस भी करता कातला दस भी दिता भी असी सिक्योरिटी जो मूसेवाला वो बिल्कुल निहत्था करता हूँ तुम आसानी ने मार सकते दो नंबर हो गए तीजे नंबर पर जिन्हें बंदे ने अनाउंस की बलतेज पन्नू और मैडम ओयशी असी वो खिलाफ सरकार पहले दिन तो सीएम साहब की गल ध्यान लिया परंतु उन्होंने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई असी सरकार का विरोध किया। उस तो बाद मास्टरमाइंड सरकार मैं अच्छ दस दे भी आ बंदे ने साज घड़ी सी चलो तो मैं मान लेना भी तुम बहुत फटते बहुत मारते भी आ बंदे की साज सी तो आ सिद्धू की रंजिश सी लोगों को दस दौ मेरा जस्टिस ही है मैं चुप करके अपने घर बैठ मैं विरोध त मैं किसी भी एक व्यक्ति के उत्ते व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की मैं जलंधर में जाके मैं रिंकू साहब का एक बारी भी जो किसी नाम लिया हो भी फलाना बंदा जो है वो किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की मैं विरोध किया मुकम्मल सरकार का किया अज भी करता जब तक जिंदा रहूँगा करता रहूँगा। लोग इस तरह इन पेश कर रहे हैं जिस तरह मैं इलेक्शन लड़के हार के आ गया हूँ और वीरो मैं तो जिंदगी की बाजी हारी बैठा मेरे लिए इलेक्शन हारना की वड्डी गल है मैं कदों कह मैं जेतू हाँ मैं तो परिवार की जंग हार गया इलेक्शन की तो बहुत छोटी गल है यह जी तो इलेक्शन भी छे महीने साल तो चलता रहता दो ढाई साल बाद सिलसिला बंदा कदे भी जित सकता कोई वड्डी गल मैं हारन तो घबराने वाला बंदा नहीं है। नेपाल दे पासंग दावा शेरपा ने 26वीं वार माउंट एवरेस्ट नूं फतेह कीता इस नाल उसने एवरेस्ट ते चढ़न दे विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पासंग ने पहली बार 1998 विच 8849 मीटर की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की सी उदों तो लगभग हर साल दुनिया की सब तो उच्ची चोटी नूं फतेह करता रहा है। शेरपे अपना पर्वत रोही हुनर लिए जाने जाते हैं तो वह एवरेस्ट से चढ़न लिए विदेशी पर्वत रोहियों की मदद करते हैं तो इस तों कमाई भी करते हैं। इस तो पहला शेरपा रस्सियां बन के सैकड़े पर्वत रोहियों की राह बनाते सन। नेपाल टूरिज्म के अधिकारी दावाफुती शेरपा ने दसिया कि पाकिस्तानी महिला नाइला केनी इस साल सब तो पहला एवरेस्ट से पहुंची सी ते केनी ने दुनिया के पांच सब तो उच्चे पहाड़ों से चढ़ाई की। सेवा रतन सरदारनी डॉक्टर जसविंदर कौर दर्दी अते पंथ भूषण पद्म श्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी वालों हर साल की तरह इस साल भी शहीदां दी याद में शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं समर्पित गुरु अर्जन कीर्तन मंडल वालों शहीदी जोड़ मेल अज शाम 7 बजे तो लैके रात 9:30 बजे तक करवाया जा रहा। स्थानक श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल शहीद सेवा सिंह ठिकरीवाला नगर पटियाला विखे करवाए जा रहे इस जोड़ मेल दौरान कीर्तनी जत्थियां वालों हरजस बाणी के नाल संगत नूं निहाल किया जाएगा। सो आप सब भी अपने परिवारों समेत इस धार्मिक समागम में पहुंचने की कृपालता करना जी। हुण नज़र मारदे आं अज दे मौसम दे हाल दे वल।
इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाज़िर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त, धन्नवाद।